बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 17 का 17.3 न्यूमेरिकल करते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट। गिवन दैट एम नॉट सी स्क्वायर 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एम नॉट सी स्क्वायर क्या होता है? एनर्जी दी हुई है, ये इनिशियल एनर्जी। एम नॉट क्या होता है? रेस्ट मास एनर्जी। एम क्या होता है? जो चल रहा होता है जब वाला मास। फाइंड द टोटल एनर्जी ई एंड द काइनेटिक एनर्जी। ई मालूम करना है और के मालूम करना है। ई लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है, ये रेस्ट में है, तो इसका मास कितना है? एम नॉट। ये चलने, इसकी एनर्जी कितनी है? ई नॉट। ये चलने लगा, इसका मास कितना हो गया? एम। इसकी एनर्जी कितनी हो गई? ई। और एम बड़ा होता है एम नॉट से, तो इसकी एनर्जी ये ज़्यादा हुई ना। ये टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? रेस्ट मास एनर्जी प्लस जो चल रहा है, तो चलते हुए कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। ये मालूम करना है, ठीक है। मूविंग विद स्पीड ऑफ वी इज इक्वल टू 0.85 c, ये दिया हुआ है। अब देखें, ये यहाँ से अंदाज़ा लगा लें ये किसका है न्यूमेरिकल। c की फॉर्म में वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने लिख लिया e इज इक्वल टू mc², ठीक है। m तो है नहीं हमारे पास, तो m का फार्मूला क्या होता है? m नॉट इंटू 1 माइनस v² अपॉन c², ठीक है। यहाँ से आ जाएगा आपके पास m v के बराबर है 0.85 c, c², ठीक है। वन माइनस 0.85 का स्क्वायर सी तो कट जाएगा ना, सी का स्क्वायर, जब ये दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा तो ये कट जाएगा और ये इतना बचेगा सिर्फ 1 माइनस 0.85 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा? ये भी कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, तो मिसाल के तौर पे आ रहा है ये कुछ 0.3 r मिसाल के तौर पर, ठीक है। अभी कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, ऐसे ही कुछ आएगा 3.2 या 4/3, ये आ गया। हमारे पास क्या है? ई नॉट किसके बराबर है? एम नॉट c², ये तो गिवन है हमें। ई किसके बराबर है? एम c², ठीक है। एम किसके बराबर है? 3/2 c², ई आ गई यहाँ से, ठीक है। अच्छा, ये 3/2 नहीं, मैं देखता हूँ, चलो मैं कैलकुलेटर लाता हूँ अभी। चलिए, स्क्वायर करते हैं, 1.85 का स्क्वायर करा, 1 माइनस √, तो ये आ रहा है ना, 3.2 नहीं आ रहा, ये आ रहा है। अच्छा, ये तो नीचे आएगा ना, सही, हमने नीचे करा है, तो इसको 1 से डिवाइड कर दें, 1.89। देखिए, हमने इसको सॉल्व करा था तो ये आंसर आएगा। ये तो हमें यहाँ तो नीचे लिख रहे थे, तो 1/r से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा ये एम नॉट, ठीक है। यहाँ पर क्या डालेंगे? 0.89 एम नॉट, एम की जगह ये डाल दी और c², ठीक है। तो ये हमारी एनर्जी आ गई। और लेकिन अब एम नॉट कितना गिवन है? एम नॉट c² कितना गिवन था? 0.511, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था ना, तो 0.97, यहाँ पर कितना आ रहा है? 0.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेम आ रहा है। अब हमें मालूम करनी काइनेटिक एनर्जी। E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस के होता है ना, तो के यहाँ से क्या आ जाएगा? ई माइनस ई नॉट। E कितना निकाला? 0.97। E नॉट कितना? 0.511, ठीक है। तो माइनस यहाँ गया 0.45, ठीक है।